अक्षय मलिक जी से बात हो रही है हमारी? हाँ सर, हाँ सर। जी बेटा, मैं बी क्लिनिक से डॉक्टर एसपी वर्मा बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। जी अभी मलिक जी, कैसे हाल चाल है आपके? हाँ ठीक है अभी सर। अच्छा अभी अच्छा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ हाँ लेकिन मेरे को वही है, और कितना महीना वो दवा खाना पड़ेगा? वो तो शुक्र है मैंने फोटो खींच के देखा था साहब, अच्छा पहले जैसा भी कुछ जलन वलन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। खुजली जलन की शिकायत, पेट ना साफ होने की शिकायत, या दर्द होना, सुबह पेट गैस बनना, ये नहीं सब नहीं पेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ब्लीडिंग वगैरह में सब में आराम है? हाँ आराम है। अच्छा अच्छा लेकिन चल। वो सूखेगा झड़ेगा क्या सर, ऐसा वो जो मौत जैसा निकला हुआ है हाँ सूख हाँ रहा है? साहब, वो धीरे धीरे करके सूख जाएगा, फोटो देख लिए हमने। चलिए अभी ठीक कल है। बोले फोन किए थे मैडम आपका क्लिनिक से, बोले फोटो भेजने के लिए, मैं जी बोला कल जी भेजूंगा। चलिए ठीक है। अभी आपको समस्या है, कितने दिनों से थी? ये तो मेरा कम से कम 10 साल हो गया, 10 साल का ऊपर का ही। 10 साल से समस्या थी। अभी कितनी बार दवाई हाँ लेनी पड़ी हमारे यहाँ से लगभग? क्या बोल रहे सर, हम करें तो हमारे यहाँ से दवाई कितनी बार आपको लेनी पड़ी? 5वां 6 महीना चालू होएगा ये महीना से, 5 या 6 महीने, 5 मंथ हो हाँ गया। 5 6 महीने से दवाई खा रहे हैं हम, लगभग लगभग ठीक है पूरी तरीके से। समस्या आपकी काफी ज्यादा पुरानी थी इसीलिए इतना टाइम लगा। चलिए आप ठीक हो गए, अच्छी बात है। ठीक है ठीक है सर, अभी एक एक महीना में हो जाएगा क्लियर पूरा ना? हाँ, 1 महीने में जो मस्सा बचा है हल्का सा, वो भी नहीं सूख गया हाँ पूरी तरीके से। ठीक है ठीक है, मुझे चलिए, वही पूछना था खाली, इसके लिए मैं बोला डॉक्टर से थोड़ा नहीं बात नहीं करें। नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, परेशान ना होगे। ठीक है ठीक है ठीक 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 ओके बेटा। ओके चलो थैंक यू। यदि आपको पेट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की तकलीफ है, जैसे आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता है, सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता है, पाइल से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की समस्या है, या आपने किसी भी तरीके का ऑपरेशन कराया है उसके बावजूद भी अभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमारी टीम से संपर्क कर उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।